हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10 इंट्रो, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, नाइन्थ क्लास में आपने क्या पढ़ा था, पी एक्स के लिए वैल्यू ऑफ एक्स एट विच पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एट विच पी एक्स इज इक्वल जीरो, तो वैल्यू ऑफ वो वाली एक्स की वैल्यू निकाली थी हमने कि जिस पे पी एक्स की वैल्यू जीरो हो जाए। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं। इसकी जो जनरल फॉर्म होती है लीनियर पॉलिनोमियल की, वो क्या होती है, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ए एक्स प्लस बी। अब हम इसके जीरो की बात करें तो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बॉन्ड में ए। ठीक है, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब ये देखो, हमने पॉलिनोमियल लिया, इसकी जनरल फॉर्म है लीनियर पॉलिनोमियल की, जनरल फॉर्म है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहां पे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस बी अपॉन ए, जो कि इसको जीरोस बना देगी। कैसे, देखो अब हमने यहां पे वैल्यू पुट कर दी, जैसे इसकी ए मल्टीप्लाई में माइनस बी अपॉन ए प्लस में बी, देखो ए से ही कट गया, माइनस बी प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। तो इसने पी एक्स को जीरो बना दिया, तो ए एक्स प्लस बी की जो जीरोस कितनी आई है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी पॉन ए, लीनियर पॉलिनोमियल में वन जीरो आती है, एटमोस्ट वन जीरो। ठीक है, तो माइनस बी पॉन ए है। अब ये देखो, ये इसकी जीरोस की वैल्यू है, ये क्या है, जीरो। अब जीरो क्या बनेगा, अब ये देखो बी कौन है, ये क्या चीज होती है, ये कॉन्स्टेंट है विदाउट एक्स। ठीक है, ये क्या हुआ, कोफिशियंट ऑफ एक्स, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। ठीक है, ये कोफिशिएंट ऑफ क्या है, एक्स है। अब ये देखो, अब ये जो हमारी जीरो निकली है माइनस बी पॉनी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉन्स्टेंट अपॉन में क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो ये देखो दोनों का रिलेशन हो गया, जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट का पॉलिनोमियल का और जीरो का, दोनों का आपस में क्या हो गया, रिलेशन हो गया। ये क्या चीज है, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। तो अब कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लो हमने क्वेश्चन ले लिया पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस सेवन। अब इसको देखो, डायरेक्ट कॉन्स्टेंट की फॉर्म से आप इसका आंसर निकाल सकते हो, इसकी जीरो निकालनी है, एक्स की जीरो निकालनी है, तो एक्स का जो आंसर आएगा आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट कौन है, माइनस सेवन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कौन है, थ्री। ठीक है, चेक करके देख लो, 3 मल्टीप्लाई माइनस सेवन बाई थ्री लिखा, प्लस सेवन लिख दिया, 3 से 3 कट गया, माइनस सेवन प्लस सेवन कितना आ गया, जीरो आ गया ना आपका आंसर, जीरो। तो इसकी जीरो की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, माइनस सेवन अपॉन में 3। और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, एक और ले लेते हैं एग्जांपल, नोट डाउन करते रहिए साथ साथ, इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 7। ठीक है, तो अब देखो वही चीज दोबारा, फिर x की जीरोस क्या आ जाएंगी हमारे पास, माइनस कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट कौन है, माइनस सेवन, कोफिशिएंट ऑफ x कौन है, फाइव। देखो बार नेगेटिव का साइन, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो सेवन बार में फाइव। चेक करके देख लेते हैं क्या ये जीरो आ रहा है, फाइव मल्टीप्लाई इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, सेवन कौन में फाइव, माइनस सेवन, फाइव से फाइव कट गया, सेवन माइनस सेवन आ गया ना जीरो। ठीक है, तो आपको समझ आ चुका होगा। अब लेते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, मैंने बेस थोड़ा क्लियर कर दिया पहले, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है हमारी, वो क्या होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। डिग्री क्या होती है, पावर को बोलते हैं, एक्सपोनेंट को बोलते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे एक्स केवल बी प्लस सी आपकी आ गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसमें क्या है, ज्यादा वेरिफिकेशन करने की उसकी जरूरत नहीं है निकालने की। अब इसमें क्या चीज है, सम ऑफ जीरोज,
इसमें आपने क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर जो आप करेंगे डायरेक्टली करेंगे सम ऑफ जीरोस, इसमें क्या है सम ऑफ जीरोस को जो आपने लेना है, लेट इसमें एटमोस्ट टू जीरो आएंगी हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के अंदर, ज्यादा से ज्यादा हमारे पास कितनी जीरो जाती है, टू। एक्स की वैल्यू कितनी आएंगी, टू आएंगी। लेट अल्फा बीटा बी द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्योपी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ठीक है। अब देखो सम ऑफ जीरोस यानी क्या हुआ, सम ऑफ जीरो का मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो वो आपका क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा जो आएगा वो क्या आएगा, इसको क्या लिखेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि क्या होगा माइनस बी अपॉन, ये लिख सकते हो आप। देखो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स कौन है, एक्स का कोफिशिएंट कौन है, बी, तो मैंने बी लिख दिया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट कौन है, ए, ए लिख दिया। तो वेरीफाई हमने करना है कि दोनों रिलेशन सेम आते हैं 2.2 एक्सरसाइज में। तो आपने क्या करना है, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, आपने प्रूव करना है कि ये चीज आपकी इक्वल आएगी, वो क्या होती है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन में ए। और क्या करना है आपने, वेरीफाई प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा, इसमें क्या है अल्फा बीटा क्या हुआ, दो जीरो थी हमारी, उनकी हमने मल्टीप्लाई कर देनी है, दो जीरो जो हमारी आएंगी इससे उसको हमने क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। और उसको वेरिफिकेशन किससे करनी है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां पे, कांस्टेंट अपॉन में कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो कांस्टेंट क्या है हमारे पास, सी अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन हुआ, ए। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए के, वेरीफाई हो जाएगा, दोनों इक्वेशन आ जाएंगे आपके पास। तो आपके इस चैप्टर में ये है, एक तो ये वाला है 2.2 एक्सरसाइज में कि आपने दोनों को वेरिफिकेशन करना है, कोफिशिएंट ऑफ पॉलीनोमियल को और जीरोस को, और उसकी जीरोस निकालनी है पहले, वो किससे निकलेगी, स्प्लिटिंग मेथड से निकलेगी। तो ये आपका इंट्रो था, आपको समझ आ चुकी होगी, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज करेंगे 2.2 एक्सरसाइज। तो ऑल द बेस्ट।